भाइयों कांग्रेस ने झूठ फैला दिया, उस झूठ के अंदर मारे लोग भी आ गए। मैं आज आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि भाई इस झूठ में नहीं फंस जियो। ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, और आजकल ये हिसाब मांग रहे हैं। वो लोग हिसाब मांग रहे हैं जिनका पिछले 10 सालों का 2014 से पहले का भाइयों हिसाब किताब खराब था, जिनके बही खाते खराब थे, जिन्होंने बही खाते के पेज पाड़ दिए थे, वो लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों आज इस झज्जर की ऐतिहासिक भूमि से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने झज्जर विधानसभा के अंदर कितने काम किए हैं, ये भी आप कान खोल करके सुन लो और भी सुन ले। जो भाइयों कांग्रेस के वो समर्थक लोग हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमारी 10 वर्ष की सरकार ने झज्जर के अंदर क्या क्या काम किए हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। गांव मातनहेल में नागरिक अस्पताल का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों अस्पताल वहां पर बना है। मातनहेल में ही हरियाणा के तीसरे सैनिक स्कूल का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है। हरियाणा के सबसे बड़े झज्जर में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भी 33 करोड़ रुपया राशि खर्च की गई है। भाइयों झज्जर के अंदर ही वर्कशॉप के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और राजकीय महाविद्यालय मातनहेल के भवन का निर्माण भी 11 करोड़ रुपए की लागत से इन 10 वर्षों के अंदर खर्च हुआ है। भाइयों मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि रोहतक बावल सड़क को हमने जो 650 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गी रोड बनाया है, ये भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों चाहे भरतपुर से चरखी दादरी वाया झज्जर रेलवे लाइन बिछाई गई है, उसका भी कार्य ये हमारी सरकार में हुआ है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि JNL फीडर सालावास के नवीनीकरण पर भी 143 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।